और जी सावन का रहना है, नाचो कूदो फिरो घूमो खाओ पियो और चश्मा लगाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? और जी देखो सावन का महीना है तो जोर से बोलो जय महाराष्ट्र। भाई क्या बोल रहा है तू? सॉरी भाई, तो बोलो जोर से जय भोलेनाथ। देखो भोलेनाथ के नाम पे एक टीजर काटा गया है जिसका नाम है ओ माय गॉड 2। फाइनली आपने भी टीजर देखा होगा, और नहीं देखा हो तो जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। अब भोलेनाथ पे इस टीजर की उतनी कृपा है जितनी की आपके ऊपर। ये मूवी का टीजर शुरू होता है ओ माय गॉड से, जो की दो आस्तिक और नास्तिक लोगों की कहानी बताता है। नास्तिक लोग की तो आपने कहानी देख चुकी होगी ओ माय गॉड मूवी के अंदर, अब आस्तिक भक्त की आप कहानी देखोगे ओ माय गॉड 2 मूवी के अंदर। अब इसे देखने के लिए आपको थिएटर जाना होगा। चल देखो मूवी की टीजर के द्वारा कहानी बिल्कुल भी रिवील नहीं की, बल्कि इस टीजर को टीजर के तरीके से ही दिखाया गया है। टीजर के अंदर दिखाया गया है कि एक भक्त शिव आराध्य होता है, जो कि अपने केस के लिए भगवान से सहायता मांगता है और भगवान उसकी मदद करता है। इस मूवी की स्टार कास्ट के लीड रोल के अंदर आपको अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम जैसे कई बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे। देखो इस टीजर में मुझे सबसे बढ़िया लगा महाकाल का सॉन्ग, जो कि हमारे रोंगटे खड़े कर देता है भाई। ये सुनने के बाद में तो राहुल गांधी को भाई मजा आया, और हम भी कहता आप भी इस मूवी का मजा लीजिए। और फाइनली मूवी 11 अगस्त को रिलीज होगी, उससे पहले इस मूवी का ट्रेलर भी आएगा, और ट्रेलर देखने के बाद में पता पड़ेगा ये मूवी कितनी पानी के अंदर है और कितनी बॉलीवुड के अंदर। अच्छा, अक्षय कुमार के फ्लॉप करियर के अंदर कुछ एक हिट फिल्म शामिल हो जाएंगी तो हम भी बड़े खुश होंगे। और अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अक्षय पाजी को हम कहना चाहेंगे जय जुबा केसरी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, एंड आप लोगों को हम कहना चाहेंगे जय हिंद जय भारत।